जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की रेसिपी है कद्दू की। तो आम के सीजन में कद्दू की खट्टी मीठी चटकारेदार सब्जी कैरी के साथ बनाना तो बनता ही है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट किया जाए। काटते समय ध्यान यह देना है कि हमें कद्दू के छिलके नहीं उतारना है, छिलके के साथ कद्दू को काटना है। किसी भी मतलब अच्छी सब्जी के लिए मायने ये रखता है कि आपकी सब्जी कितनी फ्रेश है। तो आप देख सकते हो एकदम बथिया कद्दू है हमारे पास। अब हम इसे काटेंगे। तो हमने सब्जी काट कर रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, 1 किलो का कद्दू था तो हम काटने पर ये 800 ग्राम तक हो गया होगा। और इसके लिए हम एक आम लिए हैं, करीब 150 ग्राम का आम है, कच्चा आम। और हमें कद्दू की सब्जी में आम कितना डालना है ये पूरा डिपेंड करता है आम के खट्टे पाने के लिए। तो आम को हम इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए हैं। अगर आपका आम बहुत खट्टा है तो आप इसे थोड़ा कम भी डाल सकते हो। और अगर आम मतलब ठीक है तो समझिए कढ़ाई में डाल लिया है हमने कच्ची घनी सरसों का तेल। और तेल के गर्म होने पर हम डालेंगे मेथी, मगरैल, सौंफ, जीरा, धनिया का तड़का करेंगे, साबुत धनिया, इसे पचफोरन भी कहा जाता है, पचफोरन का तड़का। कद्दू की सब्जी पचफोरन के तड़के के साथ आम पुदीना डालकर खट्टा मीठा बैलेंस करके बनाइए। बहुत चटपटी टैंगी बनती है ये सब्जी। तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। पचफोरन हमारा हो चुका था तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं कढ़ाई में कद्दू। साथ ही साथ हम डालेंगे नमक, और नमक के बाद कुछ भी नहीं डालना है हमें। सबसे पहले सब्जी को हाफ डन करना है, मतलब इसका कुकिंग चालू हो जाए कद्दू का कि पकने लगा है, तब हम डालेंगे धनिया पाउडर। ढक के छोड़ेंगे 3 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से खोलेंगे, चेक करेंगे हमारी सब्जी में पानी छोड़ दिया है क्योंकि हम नमक डाले हुए थे। तो बस फिर से चलाएंगे, उसके बाद फिर से ढाँक देंगे। 5 मिनट के हो जाने के बाद हमको फिर से सब्जी को पकाना है और चेक करके देखना है कि पका कि नहीं, क्योंकि कद्दू एकदम बथिया था तो ये एक ही भाप में हाफ डन हो चुका है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे स्पाइसेस, डालेंगे मिर्चा पाउडर तीखा चटपटा के लिए, डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, डालेंगे एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, साथ में ही डाल देंगे कैरी इसी स्टेज पर जिसे हमने बारीक काट करके रखा हुआ था। एक बार इस तरह सब्जी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। सब्जी को चलाएंगे, सभी चीजों को बहुत अच्छे से कद्दू के साथ मिक्स करेंगे और ढक देंगे सब्जी को। यहाँ पर लास्ट में हमारी सब्जी पूरी पक चुकी है। हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच चीनी मीठे स्वाद के लिए। आम से खट्टा और चीनी से मीठा, चटपटा टैंगी खट्टा मीठा सब्जी बनेगा ये। और डालेंगे यहीं पर पुदीना काट के, जो हम पुदीना रखे थे बारीक काट के डालेंगे। पूरी सब्जी डन हो चुकी है, बस हमें मिलाना और बंद करना है। देखिए कद्दू की सब्जी इस स्टेज में पूरी तरीके से पक चुकी है, लेकिन यहाँ पर कद्दू मतलब हमें थोड़ा सा मैसी मैसी चाहिए, इसलिए करछुल से ही हम इसे ठोक ठोक के थोड़ा थोड़ा मैस मैस करेंगे। इस तरीके से मैस मैस करके कद्दू को बनाने से सब्जी का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। आम का टेस्ट, चीनी का टेस्ट, पुदीने के पत्ते का टेस्ट पूरा एक साथ हो जाता है और सब्जी कंप्लीट होती है। तो हमारी कद्दू की सब्जी हो गई है डन। हमने सर्व किया है इसे पूड़ी के साथ। ये सब्जी पूड़ी के साथ 1 नंबर की लगती है। पराठे और रोटी के साथ भी बहुत अच्छे से जाती है। तो घर पर इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आप लोगों को कद्दू वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक न्यू और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।